गोपियों के साथ में कृष्ण ने रास किया और लिखा है उत्तम बयन रतिपति में रमयांचकार। कामदेव जो था ना वो आकाश में उल्टा लटक गया, एक भी बाण वो चला नहीं सका। चंद्रमा सशंकित हो गया कृष्ण की लीला देखकर। शंकर जी दर्शन करने आए थे रास का, तो गोपियों ने अंदर घुसने ही नहीं दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। बोलो जय श्री कृष्ण। शिव जी बोले हम तो रास देखने आए थे। बोले अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, ये प्रेम सरोवर में गोता लगाओ तो गोपी बन जाओगे। और शिव जी ने जैसे ही गोता लगाया सो भोले बाबा गोपी बन गए नथनिया वाली। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले गोपेश्वर महादेव की। और ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास विहार होता रहा। ब्रह्मा की 6 महीनों की रात्रियों तक रास विहार चलता रहा। आपको मालूम है ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी बड़ी होती है, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। आजकल जो युग चल रहा है ना इसको बोलते हैं कलयुग, कलिस्तु कलह प्रिय। देखो 432,000 वर्ष का होता है कलयुग, 864,000 वर्ष का होता है द्वापर युग, 1,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग, और 1,728,000 वर्ष का होता है सतयुग। यह है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब यह 71 बार बीत जाता है तो एक मनवंतर पूरा होता है, एक मनु का राज्य पूरा होता है। और इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देख लो इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। तो कृष्ण ने जो गोपियों के संग रास किया ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक चलता रहा। परीक्षित ने पूछा महाराज मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कृष्ण का प्राकट्य तो धर्म की स्थापना के लिए होता है, फिर पराई स्त्रियों के गले में हाथ डाल करके नाचना ये कोई धर्मात्मा का लक्षण तो नहीं है? ठीक है वो भगवान हैं पर कलयुग के लोग तो उनका अनुसरण करेंगे। कलयुग में तो बस पूछो ही मत, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात, कोड़ी लागहि लोप बस करहि मित्र गुरु घात। कलयुग में लोगों की मनस्थिति बड़ी खराब हो जाती है, सोच बड़ी नीची होती है, ब्रह्म ज्ञान से नीची तो चर्चा ही नहीं करते और 1% भी जीवन में उतारते नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। 1% भी जीवन में उतरता नहीं है। कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी कर लेंगे, राम ने ऐसा किया तो हम ऐसा कर लें, तो क्या बुराई है? मैं कथा कर रहा था मंडी गोविंदगढ़, एक जगह है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में, तो वहां के दशहरा ग्राउंड में कथा चल रही थी हमारी। तो 1 घंटे शाम को मैं क्वेश्चन आंसर का भी रखता, लोगों की भावना होती है। अब कई लोग आते, एक सज्जन बड़े प्रश्न करते थे और एक बार हंस के बोले महाराज जी वो क्या है, हमने तो बिल्कुल अभी शादी कर ली है, हमारी भुआ की बेटी के संग शादी की ही मैंने, वो कृष्ण ने भी तो कर ली थी ना, सो मैं नहीं कर ली। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा अरे भले आदमी, कृष्ण तो आग पी गए थे, तुम पी के दिखाओ। कृष्ण ने अग्नि पी ली थी लिखा है भागवत में, तुम भी पी जाओ। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तुम भी उठाओ। 7 दिन के कृष्ण ने तो पूतना के संग पूतना को मार दिया था, तुम भी मारो किसी राक्षसी को। हमने कहा कृष्ण की लीला का अनुसरण नहीं करना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी असाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। ईश्वर कोटि के महापुरुषों के जीवन में हमारी नजर में यदि धर्म के विपरीत भी कुछ दिखाई देता है तो उन्हें दोष नहीं लगता। अग्नि होती है ना अग्नि, अब देखो अग्नि में हमने कोई चीज डाली अग्नि सब जला देती है, उसमें गंदा कपड़ा डालो उसको भी जला देगी, पवित्र वस्त्र डालो उसको भी जला देगी, अग्नि में इत्र डाल दो इत्र भी भस्म कर देगी, गंदी चीज डाल दो उसे भी जलाएगी।
इत्र डालने से अग्नि कभी पवित्र नहीं होती, कभी शुद्ध नहीं होती, और गंदी वस्तु डालने से अग्नि कभी अपवित्र भी नहीं होती, गंदी भी नहीं होती। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो अग्नि के समान है। भगवान ने जो काम किया वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं बताओ, कभी नहीं करना चाहिए। आपने सुना है भागवत में लिखा है कि समुद्र में से क्षीर सागर में से जहर निकला, जहर विष पॉइजन, कितना निकला, एक बोतल नहीं, दो बोतल नो, घड़ा भर के निकला नहीं, टैंकर भर के निकला नहीं, समुद्र में से इतना जहर निकला था। भागवत में लिखा है त्रैलोक्य दहनात् विषात्, यदि दो मिनट में उस जहर पर काबू नहीं पाया गया तो तीनों लोकों को जलाकर वो जहर भस्म कर देगा। तो कम से कम 50,000 करोड़ टन से भी ज्यादा जहर होगा जो त्रिलोकी को जला दे। और उसको शंकर जी ने ऐसे हाथ में लिया और पूरे जहर को, पूरे पॉइजन विष को पी गए। अब जो भगवान ने किया वो हम भी करेंगे, तो शंकर जी हैं भगवान, हम उनके अंश। शंकर जी ने 10,000-20,000 करोड़ टन जहर पी लिया तो हम एक दो ग्राम पी के देखें, एक दो ग्राम छोड़ो, तुम एक मिलीग्राम पी के ही देख लो, बोलो जय श्री कृष्ण, 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा, आंखें निकल जाएंगी, मुंह खुल जाएगा, हो गया राम नाम सत्य है। पर शिव जी को तो बुखार भी नहीं आया, ऐसा लिखा है। भगवान शंकर ऐसे पी गए। हाँ, अब देवता लोग गए थे शिव जी के पास और देवताओं ने जाके शंकर से पूछा, शिव जी ध्यान में बैठे थे, ब्रह्मा जी बोले भैया हमने जहर पिला दिया, इनको पूछ के आए, हालचाल ठीक है? बोले बाबा आप ठीक हैं? शिव जी बोले ओके, आई एम ओके, बोलो जय श्री कृष्ण। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नो, अरे महाराज इतना जहर निकला था और सारा जहर आप पी गए, हमने सोचा कि चल करके देखें अब कैसा हालचाल है शंकर भगवान का। तो शिव जी बोले देखो तुमने मुझे विष पिलाया और यहां मेरे राम जी बैठे थे, ऊपर से विष गया, अंदर से राम जी विराजे, तो राम और विष दोनों मिले, अपन तो विश्राम कर रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। राम की कृपा है, शंकर से सिद्ध योगी पीकर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। तो शंकर जी विष पी गए, वो ईश्वर है, हम उनके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ज्यादा नहीं, एक आध मिलीग्राम हम भी चाट करके देख ले, जहर चाट सकते हैं क्या? इसलिए भैया परीक्षित, राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, बहुत सीधी सी बात है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी सवेरे उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, बोलो ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? कनाडा में रहो चाहे अमेरिका में रहो चाहे यूरोप में कहीं रहो, सुबह उठ के रोज माता पिता को प्रणाम करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम। दुनिया में कहीं भी रहें अपनी शास्त्र की परंपरा का, क्योंकि राम ने किया है तो राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण के मुख से निकली गीता आज विश्व का, दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे विचित्र, सबसे श्रद्धेय और सबसे विलक्षण ग्रंथ है। अरब कंट्रियों में कई मुस्लिम लोग भी जो पढ़े लिखे हैं वो भी मौका मिलता है तो गीता तो पढ़ ही लेते हैं। मलेशिया में क्वालालंपुर में कथा कर रहा था मैं, तो एक मुस्लिम भाई कथा सुनने आते थे, भागवत की कथा मंदिर में, विष्णु मंदिर में भागवत आयोजित थी, और मेरे से बोले महाराज मैं नित्य भगवत गीता पढ़ता हूँ। अरे हमने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर वो मुझे श्लोक बोल के सुनाने लग गए कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैंने कहा नित्य बोले, एक अध्याय रोज पढ़ना मेरा संकल्प है। बोले गीता किसी की पपोती थोड़ा ही है, गीता तो हम सब का ग्रंथ है, बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण के मुख से निकला है। भागवत कथा करते करते मुझे 31 वर्ष हो गए, 31
सन 75 से मैं भागवत कथा कर रहा हूं, और भगवत गीता तो मैंने उससे भी पहले पढ़ी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। गीता के संपूर्ण 700 श्लोक मुझे कंठ याद है। बोलो जय श्री कृष्ण। संस्कृत में गीता के संपूर्ण मंत्र जब मैं 9 वर्ष का था तब से पढ़ना शुरू किया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गीता ऐसा महान ग्रंथ है महाराज, एक एक शब्द गीता का स्वर्ण जटित है। भगवान गीता में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक एक शब्द गीता का स्वर्ण जटित है, क्योंकि वो गोविंद के मुख से निकली है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे। गीता महात्म्य है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्त्रितम। तो गीता कृष्ण ने कही है, कृष्ण के जीवन की डायरी है गीता। तो कृष्ण ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वो करो, कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के संग रास किया परीक्षित, ये कोई साधारण जीव नहीं है। मैंने पहले ही निवेदन किया तुमसे कि गोपी वेद के मंत्र हैं, और एक बात देखो तो गोपी हैं जीव और ईश्वर है कृष्ण। जीव ईश्वर का विशुद्ध मिलन ही तो रास है, और जीव को ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई उत्पन्न करता है तो केवल काम है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी दोहु की रहिस कहे रवि रजनी एक ठाव। जिस हृदय में काम आ गया वहां राम कभी नहीं आता, और जहां तुम्हारे राम को बिठा लिया वहां काम कभी नहीं आएगा।